Hi guys, good morning and welcome back to my channel Speak Portion Panache. Hope you are doing well and staying safe. So, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक हॉल दैट इज फ्रॉम मीशो. तो लास्ट 1 to 2 ईयर से मैंने वन पीस पहनना छोड़ दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस टू वेयर वन पीस. बट राइट नाउ आई थॉट दिस ईयर आई हैव टर्न 30. तो मैंने सोचा कि अगर मैं 30 साल की हो ही गई हूँ और उसके बाद में मेरी 60% लाइफ तो जा चुकी है, 40% बची है सिर्फ, वो भी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू लिव दैट मच लॉन्ग. तो मैंने अब सोचा कि जो मुझे लाइफ में जो जो चीज़ें मेरी पेंडिंग रह गई है दैट विल आई एम गोइंग टू कम्प्लीट. तो उसमें एक विश लिस्ट में से एक था मेरा कि मुझे जो जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ और जिसमें मैं अच्छी लगूँ वो सारी ड्रेसेस, वो सारे कपड़े मुझे ट्राई करने हैं, ज्वेलरी ट्राई करनी है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है. तो कंटेंट क्रिएशन आई हैव स्टार्टेड एंड यू गाइस ऑल आर लविंग दैट. सो राइट नाउ मैंने मीशो से कुछ ड्रेसेस परचेस करी थी जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि अगर अच्छा आ जाता है तो वाई नॉट. बट मीशो ने इस टाइम मेरा माइंड ब्लो कर दिया बिकॉज ड्रेसेस आर सो गुड, सो प्रिटी एंड ऑल द थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड ऑन मी. सो वन बाय वन हम उसका रिव्यू करते हैं. आइए आपको मिलती हूँ मैं ड्रेस के साथ में. तो फर्स्ट ड्रेस का मैं यहाँ पर जो भी पैटर्न है जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो फर्स्ट ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग इट इज़ फ्रॉम मीशो ओनली और ये मैंने परचेस करी अराउंड 300 या 350 रुपीज़ में. मेरी सारी ड्रेसेस 1200 के अंदर ही है. सो 1200 में 4 ड्रेसेस है. सो यू कैन कैलकुलेट 250 to 300 के बीच में सारी ड्रेसेस है ये. सो फर्स्ट ड्रेस है ये ब्लैक ड्रेस. इसका मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर रही हूँ. तो इसकी इस टाइप के नेट के स्लीव्स है और बहुत पफी स्लीव्स है. स्लीव्स आर लुकिंग वेरी 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 गुड और एज यू कैन सी हियर फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है और नेक इसका स्वीट हार्ट नेक है यहाँ पे एज यू कैन सी और पीछे से इसका राउंड नेक है. इसके साथ में मैंने ये वाले इयररिंग कैरी किए हैं और पर्ल वाले क्लिप सेट किए हैं मेरे हेयर में. तो ये ड्रेस का मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसमें 4 कलर अवेलेबल थे, मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है और ये एक बॉडीकॉन ड्रेस है. तो इफ़ यू आर फैट और आपका अगर लूज स्किन है, आपने अगर रिसेंटली वेट लॉस किया है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू वेयर टमी टकर विथ दिस और टमी टकर के साथ में ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा. तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. ओके सो नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन. ये 250 रुपीज़ का मुझे रिसीव हुआ है और इसकी जो स्लीव्स है वो बलून स्लीव्स है, दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड. और इसका आगे का वी नेक है यहाँ पे जो थोड़ा सा डीप है. इसमें एक पीछे डोरी दी हुई है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं और पीछे का जो है ये स्क्वायर नेक है. सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड. दिस इज़ द ड्रेस और ये थोड़ा सा लेंथ में शॉर्ट है, ये आपको नी के ऊपर आएगा. तो इफ़ यू वॉन्ट आप इस ड्रेस के साथ में वाइट कलर के लेगिंग में कैरी कर सकते हैं या तो स्टॉकिंग पहन सकते हैं या स्किन कलर के लेगिंग पहन सकते हैं इसके साथ में. इसके साथ में स्किन कलर की लेगिंग भी कैरी कर सकते हैं, स्टॉकिंग्स भी कैरी कर सकते हैं और इसके साथ में आप नी लेंथ के बूट्स पहन सकते हैं. इससे बहुत प्यारा लुक आएगा. विंटर में आप इसके साथ में एक लेदर जैकेट कैरी कर सकते हैं तो इस ड्रेस की होल वाइब भी चेंज हो जाएगी. और या दिस इज़ अबाउट दिस ड्रेस. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. ओके सो आई एम वन ऑफ द गर्ल जिसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में अनकम्फर्टेबल होता है, बट स्टिल मुझे सारे ट्रेंडी क्लॉथ्स पसंद हैं. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर ड्रेसेस लॉन्ग मंगाई है, नी लेंथ तो एटलीस्ट मंगाई है. सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रेस. द ब्रांड इज़ विल्सन मार्टिन और इसमें मैंने डबल एक्सेल साइज़ ऑर्डर किया है. इसमें आपको स्टार्टिंग साइज मिल जाएगा स्मॉल से एंड दिस स्मॉल ड्रेस इज 36 और मैंने डबल एक्सेल ऑर्डर किया है 44. दिस इज़ द ड्रेस. ये भी एक फ्रॉक पैटर्न में ड्रेस है, चेक्स में है, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, शर्ट का मटेरियल है इसमें और इसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर रही हूँ. ये मुझे रिसीव हुई है अराउंड 300 या 350 रुपीज़ की. तो इस ड्रेस की भी मैं आपसे डिटेल्स सारी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, लिंक भी शेयर कर दूँगी सो दैट यू कैन चेक इट. और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हो क्योंकि मैं ये वीडियो नाइट में शूट कर रही हूँ ताकि शांति रहे. बट स्टिल देर आर सम किड्स प्लेइंग आउटसाइड. श्रावण का मंथ है तो आरती चल रही है मंदिर में एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू सो आई एम नॉट गोइंग टू म्यूट द साउंड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. सो ये ड्रेस मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को रिव्यू करते हुए देखा था
और मैंने सोचा कि मैं भी ये ड्रेस एक बार ट्राई करती हूँ लेके। सो मुझे लगा कि ये ड्रेस के जो बटन्स है यहाँ पर, ये सारे बटन्स ओपन होंगे और वी कैन वेयर दिस इज अ स्ट्रग एज वेल एंड ड्रेस एज वेल, इसलिए मैंने परचेस किया था। बट मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट इसमें ये हुआ कि इसके बटन सारे फिक्स थे, खुले हुए नहीं है। एंड दिस इज द ड्रेस, आपको कॉलर नेक मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप का इसका मटेरियल है, इस टाइप की सारी इसमें काम करा हुआ है। एक साइड इसका डार्क पर्पल है, एक साइड लाइट पर्पल है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ लाइलैक ड्रेस फ्रॉम सो मेनी टाइम, सो दैट इज़ वाई आई हैव परचेज दिस। और इसके साथ में मुझे ये बेल्ट रिसीव हुई है जिससे आप इस ड्रेस को बांध सकते हो और इससे बहुत प्यारा लुक आएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक माई कंटेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट विल बी सो मच टू मी। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ में जो मैं रिव्यू करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और तब तक खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।